शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 7 जून 2023 की मुरली का सार प्रस्तुत है। आज की मुरली में शिव बाबा ने राजयोगी बच्चों को वरदान देते हुए कहा, मेरा तो एक शिव बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाबा मेरा है और मैं बाबा का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ एक शर्त है कि सच्चे दिल से कहना है मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाबा के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाबा का प्यार सब बातों से पार कर देता है। कैसे बच्चे सदा उड़ते रहते हैं, तो आगे बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया से ममत्व का त्याग करना है, इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तुम्हें इस समय स्वयं ईश्वर गाइड बनकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का सच्चा रास्ता बता रहे हैं। तुम इस समय दुर्गति से सदगति में जा रहे हो। जिन आत्माओं को सत्य का बोध नहीं है, वह इस समय दुर्गति में है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य के मार्ग पर ले जाकर सत्यों की स्थापना कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर है, ये महाभारी महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते हैं ये बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन भगवान शिव कहते हैं ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इस यज्ञ में सारी कलयुगी पुरानी पतित दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। ऊंचते ऊंच है भगवान, वही है ऊंचते ऊंच गॉड फादर, बेहद का बाबा। ईश्वर ही सारी मनुष्य सृष्टि का फादर है, रचयिता बीज रूप है, वो करण करावनहार, क्रिएटर डायरेक्टर परम पिता परमात्मा है। ये सृष्टि तो उल्टा झाड़ है, जैसे ऊर्ध्व मूलम मधुशाखा, जिसका मूल ऊपर है और शाखाओं प्रशाखाओं का विस्तार नीचे की तरफ है। बीज ईश्वर ऊपर में है, तभी तो ईश्वर को याद करते समय क्या करते हैं, सबकी नजर ऊपर चली जाती है ना,
अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने के कारण सभी मनुष्य मात्र ऑर्फन बन गए हैं, निधन के बन गए हैं, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। शिव भगवान उवाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठकर तुमको राग योग सिखलाता हूं। जगदम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। बाबा समझाते हैं, मैं ही सदगति दाता हूं। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते। कबीर जी का एक भजन बहुत ही सुंदर है। उन्होंने कहा है कि जल के अंदर स्नान करने से अगर सदगति हो जाती तो मेढक तो हमेशा नहाता है। जल के मंजन जे गति होवे नित नित मेढक नवे जियो नवे जियो। जैसे मेढक तैसे हुई नर फिर जूनी आवे जाए आवे जाए। अंतर मैल जो तीर्थ नावे तिस वैकुंठ न जाना जियो न जाना जियो। लोकपति ने कछु न होई नहीं राम अयाना जियो अयाना जियो। वो भगवान नादान नहीं है। पूजो राम एक ही देवा साचा नावण गुर की सेवा गुर की सेवा। दिवस नरेन वेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा निरंकारा। कहत कबीरा तिसे नर ध्याओ बावरिया संसारा संसारा। अंतर मैल ज्योति रथ नावे तिस वैकुंठ न जाना जियो न जाना जियो। लोकपति रे कछु न होवे नाही राम अयाना जियो अयाना जियो। तो नदी के अंदर मज्जन करने से स्नान करने से सदगति नहीं होती है। आगे बाबा ने कहा, ये जो भारत है ये परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। सब खंडों से ऊंच है ये भारत खंड, महान पवित्र खंड है ये। बाबा ने समझाया है वो है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा।
इसका कभी विनाश नहीं होता। हाँ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म रिलीजन स्थापन करने वाले स्वयं वो परम पिता परमात्मा शिव है, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वही नॉलेज फुल पति पावन सतगुरु भी हैं, वो सुप्रीम फादर भी है, तो सुप्रीम टीचर भी है, वो सुप्रीम गुरु है हमारा, सतगुरु है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, आद अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारी, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। संसार की सारी प्रजा को जिसने सवार दिया है, श्रेष्ठ बना दिया है, उसी का स्मरण करो। भगवान उवाच, मैं तुमको सहज राज योग सिखलाता हूं, तुम्हें दुखों से लिब्रेट करता हूं, तुम राजयोगी हो। संगम युग पर स्वयं भगवान शिव आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा ये है प्रवृत्ति मार्ग, शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थे, अभी प्योरिटी नहीं तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। सब रोगी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो अभी भारत दुख धाम बन गया है। भारत ही सुख धाम था, अब शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे साथ योग लगाओ, ब्रह्मा के द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूं। तुम हो अहिंसक आध्यात्मिक योद्धा। शिव बाबा कहते हैं, ये काम महाशत्रु है, इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख ही पाया है। ये संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है। भगवान शिव समझाते हैं, भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो निष्कामी हूं, ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। आज का स्लोगन है, सदा शिव बाबा की लाइट माइट के अंदर रहो, तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को यत प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी।